हिमाचल प्रदेश की 5000 करोड़ की सेब आर्थिकी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सेब के बगीचे अल्टरनेरिया नामक बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिसका सीधा असर सेब के आकार और रंग पर हो रहा है। सेब के पत्ते समय से पहले ही झड़ रहे हैं, जिस वजह से प्रदेश के बागवान काफ़ी परेशान हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस विधायक व राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने सेब पर फैली इस अल्टरनेरिया बीमारी को महामारी घोषित करने की मांग की है और केंद्र सरकार से भी बीमारी की रोकथाम के लिए सहयोग की बात कही है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अल्टरनेरिया बीमारी प्रदेश के कई इलाकों में महामारी का रूप धारण कर चुकी है। क्या बोले कुलदीप सिंह राठौर, सुनिए विस्तार से। इस वर्ष भयंकर झुलसा हुआ फंजिसाइड बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ा है। लगभग कई जगह पे 95% से ज्यादा जो सेब के बगीचे हैं वो इस एक भयंकर बीमारी अल्टरनेरिया की चपेट में आए हैं। और इससे भी एक एडवांस स्टेज की बीमारी है, अल्टरनेरिया मारोसनीना। असमय जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं, जिस कारण जो है सेब का साइज नहीं बन पाता, सेब में जो कलर है वो नहीं आ पाता। और ये खाली इस साल का नुकसान नहीं, अगर असमय पत्ती पतझड़ आता है तो दूसरे वर्ष अगले वर्ष भी जो है इसका प्रकोप जो है बगीचों में नजर आता है और फसल जो है नहीं हो पाती है। हमारे जो किसान और बागवान हैं बहुत चिंतित है, परेशान है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी का आधार सेब है। और हमेशा मैं सेब से जुड़े मुद्दे उठाता आया हूँ क्योंकि मैं सेब बहुल क्षेत्र से आता हूँ और लगातार आप देख रहे होंगे लागत बढ़ रही है और मुनाफा जो है कम हो रहा है। ऊपर से इस तरह की जो बीमारियां आती हैं उससे और ज्यादा नुकसान जो है बागवानों का होता है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।